थोड़ी देर में पर्चा भरेंगी प्रियंका गांधी। प्रियंका ने नामांकन पत्र पर हस्ताक्षर किया है। 13 नवंबर को होगा वायनाड में मतदान। वायनाड उपचुनाव से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी थोड़ी देर में पर्चा भरेंगी। स्थानीय नेताओं की मौजूदगी में प्रियंका ने नामांकन पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं। देखिए, रोड शो के बाद कांग्रेस नेता वायनाड सीट से अपना डायरेक्टोरल डेब्यू करेंगी। आपको बता दें 13 नवंबर को वायनाड में मतदान होगा। तो देखिए, सक्रिय राजनीति में तो प्रियंका गांधी पहले से ही मौजूद हैं, लेकिन अब चुनाव पहली मर्तबा लड़ रही हैं। हस्ताक्षर उन्होंने किया हुआ है, ये तस्वीरें सामने आ रही हैं। तो फिलहाल देखिए, अब ये देखिए दो तस्वीरें बेहद खास, जिसमें एक तस्वीर में आपको नजर आएगा रोड शो की तस्वीर है, दूसरी तस्वीर ठीक इससे पहले की जब उन्होंने हस्ताक्षर किए हैं। तस्वीरें आपके सामने, नामांकन से पहले रोड शो, प्रियंका गांधी वाड्रा राहुल गांधी के साथ मौजूद है, अभिवादन करते हुए आम जनता का और नॉमिनेशन फाइल करना है। उससे पहले की तस्वीरें आपके साथ साझा कर रहे हैं, रोड शो करते हुए वायनाड सीट से। देखिए, राहुल गांधी ने दो सीट से चुनाव लड़ा था, लोकसभा चुनाव, वायनाड सीट और दूसरी रायबरेली की सीट, दोनों पे जीत हासिल की, जिसके बाद एक सीट उन्होंने खाली की और वायनाड सीट जहाँ पर उपचुनाव हो रहा है, और प्रियंका गांधी आज चुनावी मैदान में है, नॉमिनेशन उन्हें फाइल करना है। और नामांकन से पहले किस तरह से रोड शो कर रही है प्रियंका गांधी वाड्रा, अब वो तस्वीरें बयां कर रही हैं। बिल्कुल, देखिए भारी इस वक्त भीड़ नजर आ रही है। बतौर से शक्ति प्रदर्शन के तौर पर देखा जाए तो उसमें कोई अतिशोक्ति नहीं, जो कि जाहिर सी बात है। यदि हम साउथ का जिक्र करते हैं, दक्षिण का जिक्र करते हैं, तब कांग्रेस की स्थिति काफ़ी बेहतर है। देखिए, अभी तक हिंदी बेल्ट में ही ज़्यादा सक्रिय नजर आई हैं प्रियंका गांधी। अब यहाँ पर अग्नि परीक्षा तो अब शुरू होगी, चूँकि जाहिर सी बात है वायनाड की जनता ने राहुल गांधी को तो हमेशा से बहुत प्यार दिया है। अब क्या उतना ही प्यार प्रियंका गांधी को मिलेगा, ये देखने वाली बात होगी। चुनाव तो जीत जाएंगी, चूँकि ये एक सिक्योर सीट उनके लिहाज से मानी जा रही है, लेकिन अब कितनी सीटों पर जीतेंगी ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल ये तस्वीरें बेहद खास, शक्ति प्रदर्शन भी नजर आ रहा है, जनता इस वक्त अभिवादन स्वीकार भी रही है। और देखिए, बहुत बड़ी बात है कि अब अपने तो आप यूँ कह सकते हैं पहली मर्तबा तो चुनाव लड़ रही है, लेकिन ये सीट बड़ी सिक्योर मानी जा रही है। और देखिए, नामांकन में दिग्गज कौन कौन से हैं, ग्राफिक्स के जरिए दिखा भी रहे हैं। केसी वेणुगोपाल मौजूद है, सोनिया गांधी मौजूद है, मल्लिकार्जुन खड़गे मौजूद है, सुखविंदर सिंह सुक्खू मौजूद है, राहुल गांधी यहाँ पर मौजूद है। ये तमाम दिग्गज यहाँ पर पहुंचे हुए हैं प्रियंका गांधी के नॉमिनेशन में रोड शो के दौरान। तमाम ये बड़े चेहरे कांग्रेस पार्टी के यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, और फिलहाल तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं प्रियंका गांधी पर्पल कलर की साड़ी में अभिवादन करते हुए आम जनता का।
थोड़ी देर में नॉमिनेशन फाइल कर देंगी। नारेबाजी के नारे यहाँ पर लग रहे हैं, नारेबाजी हो रही, माफ कीजिएगा, जिंदाबाद के नारे यहाँ पर लग रहे हैं। बड़ी तादाद में समर्थक का प्रियंका गांधी के यहाँ पर मौजूद है। देखिए प्रियंका गांधी का सियासी सफर भी जरा जान लीजिए। पहली बार 2006 से सोनिया और राहुल गांधी की चुनाव प्रबंधक वो बनी थी। 2019 का जिक्र किया जाए तो लोकसभा चुनाव में सक्रिय राजनीति में उन्होंने एंट्री करी। उत्तर प्रदेश के पूर्वी हिस्से का उनको प्रभारी बनाया गया था। 2020 में यूपी का प्रभारी महासचिव उनको नियुक्त किया गया। राहुल गांधी के वायनाड से इस्तीफे के बाद उम्मीदवार वे बनी और पहली बार चुनाव प्रियंका गांधी और लड़ रही हैं। 17 जून 2024 को उम्मीदवारी का ऐलान बुक कर चुकी थी और ये तभी साफ हो गया था कि वायनाड सीट अब कहीं ना कहीं प्रियंका गांधी मैदान में इस सीट से उतरेंगी और यहीं से ही वह अब चुनाव की शुरुआत करेंगी। यानी कि अब उनको आप बतौर सांसद देख पाएंगे यदि वो जीत जाती। तो अभी तक पार्टी को बैक सपोर्ट, फ्रंट सपोर्ट देती नजर आई प्रियंका गांधी और अब चुनाव के बाद स्थितियां बिल्कुल अलग हो जाएंगी। वायनाड जो कि एक सिक्योर सीट मानी जा रही है उस पर देखा जाएगा, यदि जीत जाएंगी तो अब बतौर सांसद आप उनको सदन में देखेंगे।